नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्ति के बाद अपने पहले निरीक्षण भ्रमण में मनीष चौहान ने उमरेंडा गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी, जहां उन्हें चकबंदी की शिकायतें मिली। नोडल अधिकारी ने डीएम को निर्देश दिए कि चकबंदी के दोषी अधिकारियों व कर्मियों पर कार्रवाई करें, चकबंदी अधिकारी कैंप लगाकर समस्याएं दूर करें। कई योजनाओं का मौके पर सत्यापन किया गया। शौचालय की दूसरी किस्त न मिलने पर, आंगनबाड़ी की अभिलेख पूर्ण न होने पर असंतोष जताया। प्राथमिक विद्यालय में बच्चों से पठन पाठन, पुस्तक, ड्रेस, जूता, मोजा वितरण, मिड डे मील आदि के बारे में पूछा गया। ग्रुप हाउसिंग योजना के तहत बनाए गए आवासों का निरीक्षण किया गया। इनमें अब तक बिजली कनेक्शन न होने पर नाराजगी जताते हुए एक हफ्ते में कनेक्शन कराने और 15 दिन में कमेटी बनाकर आवंटियों को कब्जा दिलाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बिसंडा थाने और अतर्रा तहसील का निरीक्षण भी किया। अतर्रा आपूर्ति निरीक्षण का काम दुरुस्त नहीं मिला। स्टाफ के बैठने की व्यवस्था भी ठीक नहीं थी, जिस पर नोडल अधिकारी ने डीएसओ के निर्देश दिए कि खाद्य निरीक्षण के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए लिखें। आयुर्वेदिक कॉलेज के निरीक्षण में वहां चल रहा निर्माण समय से पूरा न होने पर जिम्मेदारी तय करने को कहा। नोडल अधिकारी के साथ निरीक्षण में डीएम हीरा लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी काम गुणवत्ता और समयबद्ध पूरा करें, अब शिकायतें मिली तो कठोर कार्रवाई के लिए तैयार रहें। हमसे डीएम ₹11,000 लिया हमारा। हाँ। काम अच्छा, तो क्या कहा अधिकारियों से? कहा आपने? हम बता दिया, लिख पढ़े हम तो पढ़े लिखे नहीं। क्या बोले? अब कुछ जो कुछ बोले हूँ। अच्छा, आश्वासन दिया कुछ? कोई आश्वासन दिया? हाँ, मैं कुछ नहीं दिया, सुनाया था।